गाइस, मैं खुशी रू आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। नौवीं की छात्रा ने रुकवाया बाल विवाह स्कूल से, एसडीएम के पास पहुंचकर बोली मुझे पढ़ना है, अभी शादी नहीं करनी। चलिए हम आप लोगों को बताते हैं ये लेटेस्ट अपडेट। मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। गाइस, क्या आज भी एक्चुअली में बाल विवाह होते हैं? मैंने ये काफी समय के बाद ये बात सुनी है। क्या आप लोग हमेशा सुनते आए हैं या आप भी काफी समय के बाद मेरे वीडियो के जरिए ही ये बात सुन रहे हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये जो पूरा मामला है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से हमारे सामने आ रहा है, जहां पर नौवीं कक्षा में पढ़ने वाली कृष्णा नाम की एक लड़की ने अपनी शिकायत जो है, जब अपना स्कूल पूरा करने के बाद वहां की जो कि एसडीएम है बिंदु बाला के पास पहुंची और वहां पर अपने शादी का जो कार्ड है वो भी वहां पर सौंप दिया और वहां पर मैडम साहब को ये बात बोली कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, शादी नहीं करना चाहती, पर मेरे परिजन जो है वो मेरी शादी करवाना चाहते हैं। और उस दौरान ही उसने अपनी पूरी समस्या के बारे में बताया। उसने ये चीज बताया कि एक महीने से मेरी शादी की तैयारियां चल रही हैं, पर मुझे घर में बिल्कुल भी अंदाजा तक नहीं है कि मेरी शादी होने वाली है। अभी मुझे कुछ टाइम पहले ही मेरे पिताजी ने ये जानकारी दी है कि अटा सटा के चलते हुए तुम्हारी शादी जो है नजदीकी के गांव में एक लड़के से हम लोग करवाने जा रहे हैं, जिसके बारे में जब मुझे पता चला तब मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं एक्चुअली में काफी ज्यादा हैरान हो गई क्योंकि मैं इस वक्त शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे आगे पढ़ना है और कुछ बनना है। ये जब शिकायत लेके एसडीएम के पास पहुंची तो वो लड़की का नाम कृष्णा बताया जा रहा है, उसके बाद जो है इसके परिजनों को बुलाया गया। बुलाने के बाद उनसे बात की गई और उनको समझाया गया कि वो इस वक्त बाल विवाह नहीं करवा सकते हैं अपनी बेटी का, और उसी दौरान समझाने के बाद उन्होंने ये शादी कैंसिल भी करवाई और एक पत्र पे जो है एक माफीनामा लिया, और उसी दौरान ही उन्होंने शपथ पत्र भी बनवाया कि वो शपथ ये ले कि वो अपनी बेटी का बाल विवाह नहीं करेंगे। तो ये सब चीजें वहां पर हुई और नौवीं कक्षा की छात्रा ने अपनी ही बाल विवाह की शादी रोक ली। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।